वेलकम टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। आज मैप है जिसका साइज़ है आपका 30x66, तो इस पर बात करते हैं। इसका फ्रंट है आपका 30 फीट और जो इसकी डेप्थ है वह है आपकी 66 फीट। इनके 4 BHK सेट की रिक्वायरमेंट है, 4 बेडरूम इसमें बनाए गए हैं। ये मैप आपका इस तरीके से बनाया गया है कि आपके अगर 2 भाई हैं तो आप 2 भाई भी इसमें आराम से रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपका नॉर्थ फेसिंग है और इसमें नॉर्थ में भी फ्रंट है और जो साउथ है इसमें साइड भी इसका फ्रंट है। तो इसको स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से। ये आपका मेन गेट है, आप यहाँ से एंट्री करते हैं। सामने आपको देखने के लिए मिल जाता है आपका पोर्च जिसका साइज़ आपको दिया गया है 11 फीट बाय 16 फीट 9 इंच का ये पोर्च बनाया गया है। इसी के साथ आपको सामने स्टेयरकेस के लिए देखने के लिए मिल जाता है जो कि हमने 3 फीट का बनाया हुआ है। ये आपका स्टेयरकेस की पैड़ियाँ हैं, आप इससे ऊपर जा सकते हैं। ये आपको 3 फीट का दिया गया है। इसी के साथ आप इस डोर से, अपनी पर्सनल डोर है आपका लॉबी के लिए, आप इससे एंट्री करते हैं। 12 फीट 4.5 इंच बाय 11 फीट 7.5 इंच की ये लॉबी बनाई गई है और लॉबी के वेंटिलेशन के लिए आपको ये विंडो भी देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आपको विंडो भी हमने दी हुई है। इसी के साथ ये आपका किचन है जो कि 20 से ओपन है। आप चाहे तो यहाँ पर स्लाइडिंग डोर भी लगा सकते हैं और ओपन भी आप इसे छोड़ सकते हैं। इस किचन का साइज़ है आपका 9 फीट बाय 7 फीट की आपको किचन दी गई है। इसी के साथ वेंटिलेशन के लिए आपको रोड की तरफ ये विंडो भी देखने के लिए मिल जाती है, फुल वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है जो कि हमने 2 फीट की दी हुई है इनको, ये आपकी स्लेब जो कि हमने यू शेप में आपको दी हुई है। किचन के बराबर में ही आपको देखने के लिए मिलता है आपका स्टोर जिसका डोर आपको यहाँ से दिया गया है। 7 फीट 4.5 इंच बाय 7 फीट का ये स्टोर बनाया गया है। स्टोर के बराबर में आगे की तरफ आपको देखने के लिए मिलता है आपका बाथ और WC। WC का साइज़ है आपका 4 फीट बाय 3 फीट की ये WC दी गई है। WC के सामने ही आपका बाथ है जिसका साइज़ है आपका 4 फीट बाय 4 फीट की आपकी बाथ है। WC और बाथ के बिटवीन आपको देखने के लिए मिल जाता है 3 फीट 10.5 इंच का ये स्पेस। आप यहाँ पर वॉश बेसिन वगैरह लगवा सकते हैं। WC से बाहर आ जाए आप वॉश बेसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आपको ये आपका बेडरूम है जिसका डोर आपको यहाँ से दिया गया है। इस बेडरूम का साइज़ है आपका 11 फीट 7.5 इंच बाय 11 फीट 10.5 इंच का ये बेडरूम बनाया गया है और वेंटिलेशन एक आपका यहाँ से हो जाएगा। ये आपको डोर के लेफ्ट साइड में विंडो भी देखने के लिए मिल जाती है। सेकंड बेडरूम का डोर आपका यहाँ से है। इस बेडरूम में आप एंट्री करते हैं। 16 फीट 1.5 इंच बाय 11 फीट 10.5 इंच का ये बेडरूम है और वेंटिलेशन के लिए आपको ये विंडो भी देखने के लिए मिल जाती है। इसी के साथ जो आपका दूसरा पोर्शन है, आप इस डोर से दूसरे पोर्शन में भी जा सकते हैं और आपको पर्सनल डोर भी दिया गया है जो इनका साउथ में फ्रंट है, उससे भी आपको एक डोर दिया गया है, आप यहाँ से भी आ सकते हैं। आप यहाँ पे बाइक वगैरह अपनी खड़ी कर सकते हैं, ये इतना स्पेस आपको दिया गया है। और आप चाहें तो यहाँ पर सोफे वगैरह भी डाल सकते हैं, जो आपके गेस्ट आएंगे वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। इसके वेंटिलेशन के लिए आपको ये विंडो भी देखने के लिए मिल जाती है। ये आपका स्पेस है 11 फीट 9 इंच बाय 10 फीट 3 इंच का दिया गया है। सामने आपकी बाथ और WC है। WC का साइज़ है आपका 4 फीट बाय 3.5 फीट की ये WC दी गई है। इसके बराबर में ये आपका बाथ है जिसका साइज़ है आपका 4 फीट बाय 6.5 फीट 4.5 इंच का ये आपका बाथ है। इसी के साथ आप इस डोर से अंदर एंट्री करते हैं तो आपको देखने के लिए मिल जाती है लॉबी। लॉबी का साइज़ आपको दिया गया है यहाँ पर 16 फीट 1.5 इंच बाय 12 फीट 4.5 इंच की आपकी लॉबी बनाई गई है। लॉबी के सामने ये आपका है किचन जिसका डोर आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। 10 फीट 9 इंच बाय 8 फीट की किचन है। इस किचन में आपको एल साइज़ की स्लेब देखने के लिए मिल जाती है जो कि हमने आपको 2 फीट की दी हुई है ये स्लेब। इसी के साथ किचन के वेंटिलेशन के लिए ये विंडो भी आपकी लगाई गई है, यहाँ से फुल वेंटिलेशन हो जाएगा आपका। ये आपका कुछ एरिया है, आप इस बेडरूम से भी दूसरे पोर्शन में आ सकते हैं। इसी के साथ ये आपका बेडरूम है, ये आपका 3rd बेडरूम है और इस पोर्शन का ये आपका 1st बेडरूम है। इस डोर से आप अंदर एंट्री करते हैं, 11 फीट 7.5 इंच बाय 12 फीट का ये बेडरूम बनाया गया है। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए ये विंडो भी देखने के लिए आपको मिल जाती है। इस डोर से अटैच है आपका स्टोर, आप चाहें तो इसे टॉयलेट भी बना सकते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट स्टोर की है तो इसलिए इसमें स्टोर अटैच किया गया है। 5 फीट 10.5 इंच बाय 5 फीट का ये आपका स्टोर बनाया गया है। स्टोर के बराबर में ही आपको देखने के लिए मिल जाता है आपका दूसरा स्टोर जो कि आपका बेडरूम से अटैच है। तो चलते हैं अपने दूसरे बेडरूम में। दूसरे बेडरूम का डोर 3.5 फीट का ये रहा। इस बेडरूम में एंट्री करते हैं, 11 फीट 7.5 इंच बाय 14 फीट 4.5 इंच का ये बेडरूम आपका बनाया गया है। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए आपको साउथ
वाले साइड पर यानी कि साउथ वाले रोड पर आपको ये विंडो देखने के लिए मिल जाती है। इस बेडरूम से अटैच किया गया है आपका स्टोर, जिसका डोर आपको यहाँ से दिया गया है। 5 फीट 5.5 इंच बाय 5 फीट का स्टोर है, आप इसे टॉयलेट भी बना सकते हैं। तो 4 BHK सेट की रिक्वायरमेंट थी इनकी, 2 पोर्शन की रिक्वायरमेंट थी, तो दोनों पोर्शन ये इस तरीके से बनाए गए हैं कि दोनों भाइयों को इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये एक दूसरे के पोर्शन में भी अब अपने अंदर हाउस से ही जा सकते हैं। तो 30x66 के मैप से आप भी कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट यही है, नहीं तो आप डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट करके अपना मैप बनवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।